दोस्तों, भले ही आपको हमारी बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आजकल की जनरेशन एक अलग ही लेवल की आलसी हो गई है, जिन्हें हर काम करने के लिए किसी की मदद चाहिए। जहां लोग पहले अपना सारा काम खुद ही कर लेते थे, वहीं अगर आजकल के लोगों को अपना सारा काम करने के लिए कह दिया जाए तो उन्हें अपना खानदान भी याद आ जाएगा, जिसके बारे में वो जानते भी नहीं है। पर दोस्तों, लोगों को फिर भी कहां फर्क पड़ता है, वो तो इंसानों को बिगाड़ने के लिए एक से बढ़कर एक ऐसे इन्वेंशन कर रहे हैं मानो कसम खा रखी हो कि इंसान के शरीर में जंग लगवा कर ही छोड़ेंगे। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो बस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप भी हमारी तरह थोड़े बहुत आलसी हैं तो वीडियो को देखकर बड़ा मजा आने वाला है। वाइन ग्लास होल्डर नेकलेस, मतलब जो सबसे टॉप लेवल के आलसी लोग होते हैं, ये नेकलेस उन्हीं के लिए बनाया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे हाथों को हमेशा चलते रहना चाहिए, लेकिन ये बात भला आलसी लोगों को कौन समझाए, वो तो अपने हाथों को उठाना भी नहीं चाहते। तभी तो ऐसे लोगों के लिए ये खास नेकलेस तैयार किया गया है, जिसमें वो अपनी वाइन ग्लास को आराम से होल्ड कर सकते हैं, वो भी बिना हाथ लगाए, स्ट्रॉ के जरिए अपनी वाइन पी सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो जब मर्जी तब उसे लटका कर अपने हाथों से दूसरा काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप काम भी नहीं करना चाहते तो भी ये वाइन होल्डर आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसे गले में पहनकर आप अपनी वाइन के साथ चल सकते हैं। मतलब ऑल टोटल अगर कहा जाए कि आप अपने आलसीपने की सारी हदें इस वाइन होल्डर नेकलेस को पहनकर पार कर सकते हैं। लेजी रीडिंग ग्लासेस, हम सभी को बताया जाता है कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, जो आपकी मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, और हमें भी ऐसा लगता है। पर जब हम किताब पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए या तो हाथों को ऊपर उठाए रखना पड़ता है, जिससे हाथों में दर्द होता है, और अगर किताब को किसी टेबल वगैरह पर रख कर पढ़ा जाए तो गर्दन झुकाने की वजह से दर्द होता है। अब कोई नॉर्मल इंसान हो और वो हमें ये सब प्रॉब्लम बताए तो हम उससे कह सकते हैं कि भाई साहब, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको किताबी ज्ञान चाहिए तो थोड़ा बहुत दर्द तो सहना पड़ता है। लेकिन नहीं, जब ये चीजें आलसी इंसान कहता है तो उनके लिए हमारे पास ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसे पहनकर आप भले ही सामने देखेंगे लेकिन नीचे मौजूद चीजें आपको दिखाई देंगी, यानी कि बिना झुके आप किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चश्मे में अलग तरह के ग्लासेस लगे हुए हैं जो 90 डिग्री में मौजूद चीजों को साफ साफ दिखाते हैं। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट वाकई में काफी अमेजिंग लगा, जो आलसी लोगों के लिए अच्छा तो है ही, उसके साथ ही साथ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। सेल्फ मेकिंग बेड, दोस्तों सर्दी का मौसम आ गया है, आलसी लोगों की आलस और ज्यादा बढ़ने लगी है, ऐसे में तो उन्हें बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता, और अगर एक बार गलती से उठ गए तो भाई साहब, बेड को वापस से सेट करने में भी लोगों की बैंड बच जाती है। तो दोस्तों, पेश करते हैं आपके सामने सेल्फ मेकिंग बेड, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से अपने ब्लैंकेट को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप न सिर्फ इसे ओपन और रोल कर सकते हैं बल्कि इस ब्लैंकेट का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान लेफ्ट में लेटा है और उसे ज्यादा ठंड नहीं लग रही है तो उसके लिए टेम्परेचर कम रखा जा सकता है, पर इसका असर राइट साइड में लेटे हुए शख्स को नहीं होगा। यानी कि ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है, जिसे आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। शू लेस मैग्नेट, आपको जूतों के फीतों की वजह से गिरने वाली इंजरी तो याद ही होगी, क्योंकि हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि हम फीते की वजह से गिर जाते हैं, गिरने के बाद फिर रोना धोना चालू। हालांकि हमारे पेरेंट्स ने तो हमारा रोना धोना झेल लिया, लेकिन आजकल के बच्चों को ना ही जूतों के फीतों में फंसकर गिरने की जरूरत है और ना ही गिरकर रोने की, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से फीते बांधने से लेकर गिरने तक का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इनमें मैग्नेट लगा होता है जो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद आप चाहे जितनी भी उछल कूद क्यों ना करें, ये खुलने नहीं वाले हैं, और आपके पैरों की ग्रिप भी बनाए रखेंगे, साथ ही साथ आपको फीते बांधकर अपना टाइम भी खराब करने की जरूरत नहीं है, और एक आलसी इंसान के लिए उसका टाइम बच जाए, उससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। पोटैटो पीलर मशीन, भाई लोगों, अगर आप किसी खाना बनाने वाले से पूछेंगे कि उसे सबसे बोरिंग काम क्या लगता है तो वो बिना पलक झपकाए ये बताएगा कि भैया, सबसे बोरिंग काम तो आलू छीलना ही है, जिसे छीलने में काफी समय लगता है, और मन में ये डर भी रहता है कि आलू छीलते छीलते अपनी उंगलियां ना छील दे, जिसकी वजह से इस पोटैटो पीलर मशीन को तैयार किया गया, जिसकी मदद से आप इस स्टेनलेस मशीन में जब आलू को डालेंगे तो मशीन बड़ी आसानी से आलू को छीलकर उसके छिलके को किनारे कर देगी। ये पूरा प्रोसेस बड़ी तेजी से होता है, जो आप खुद देख सकते हैं।
हाँ वो बात अलग है कि हाथ जैसा शेप नहीं आता, लेकिन टाइम तो काफी बच जाता है और आलसियों के लिए काफी है। अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर। एक बात तो तय है कि हमने अच्छे अच्छे आलसी लोगों को देखा है, लेकिन इन जनाब की तो बात ही अलग है जिन्हें अपने लायक कोई इन्वेंशन ही नहीं मिला, इसलिए इन्होंने खुद ही अपनी साइकिल को मॉडिफाई करके इस तरह का बना लिया। दोस्तों एक कैनेडियन लड़का जितना ही प्यार आउटडोर साइकिलिंग से करता है उतना ही प्यार अपने आलसीपने से भी करता है, और दोनों चीजों को एक साथ लाने के लिए इन जनाब ने अपनी साइकिल की सीट की बजाय सोफा लगा दिया ताकि ये बड़े आराम से उस पर बैठकर अपनी साइकिलिंग कर सकते हैं। मतलब वाकई में ये जनाब उच्च कोटि के न सिर्फ आलसी हैं बल्कि दिमागदार भी हैं। वैसे अगर आपको मौका दिया जाए इस तरह की साइकिल चलाने का, तो आप क्या अपनी आरामदायक साइकिल पर चलना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। सेल्फ क्लीनिंग हेयर ब्रश। जब इंसान के बाल लंबे होते हैं तो उसे बालों को ब्रश करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और खास करके जब बाल ब्रश में फंस जाते हैं तो उन्हें निकालने में हालत खराब हो जाती है। पर जब बात आलसी लोगों की आती है तो उन्हें भला कहां पसंद आएगा कि वो अपना समय ब्रश में से बाल निकालने में बर्बाद करे। ऐसे में हमारे और आपकी तरह ही आलसी लोगों के लिए ये यूनिक ब्रश तैयार किया गया है, जिसके बैक पर लगी बटन को प्रेस करके अपनी तरफ खींचने से ब्रश ऊपर आ जाता है और बड़ी आसानी से उसमें उलझे हुए बाल निकल जाते हैं। हालांकि इस तरह के सेल्फ क्लीनिंग ब्रश अलग अलग कंपनी के आते हैं, जिनमें से कुछ में तो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स वगैरह भी रहते हैं, जैसे कि अगर आप उनसे बाल सही करेंगे तो आपके बालों में ज्यादा दर्द नहीं होगा, फिर चाहे आप जितनी बार भी अपने बालों को ब्रश क्यों ना करें। सुशी बाजू का सुशी मेकर। दोस्तों यूं तो कई सारी डिशेस काफी फेमस है, लेकिन जब बात सुशी की आती है तो ये उन चीजों में से एक है जिसे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम बड़े आराम से खा सकते हैं। लेकिन अब इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसे बनाने में काफी प्रॉब्लम आती है, और जब कभी भी आप इसे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इसे बनाना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे कम मुश्किल भी नहीं है। पर तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि इसे बनाने का एक और तरीका भी है जो आलसी लोगों को तो बड़ा ही पसंद आएगा, क्योंकि आपको बस इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और फिर हल्के से इस मशीन को पुश करना है जिससे प्रॉपर सुशी के रोल बनकर निकल आएंगे। आपको बस इसे ऊपर से रैप करना है और छोटे छोटे पीस में कट कर देना है। लीजिए तैयार हो गई आपकी फेवरेट सुशी बिना रेस्टोरेंट में पैसा खर्च किए हुए। आप सुंदर सस्ते और टिकाऊ तरीके से इसे बना सकते हैं। डस्ट मॉप स्लीपर्स। साफ सफाई जैसे काम में टाइम तो लगता है, हालांकि कुछ लोग इसे खुशी खुशी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि साफ सफाई करने से उनकी बॉडी फिट और एक्टिव रहेगी। पर आलसी लोगों पर ये चीज कहां लागू होती है, उन्हें तो अपना सारा काम आसान तरीके से करना होता है। इसी वजह से उनके लिए बेहतरीन स्लीपर्स तैयार किए गए हैं जिन्हें पहनकर फ्लोर पर पड़ी किसी भी गंदगी को बिना हाथ लगाए साफ किया जा सकता है, और नमूना आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे ये लोग बड़े आसानी से अपने इन स्लीपर्स के जरिए फ्लोर को साफ कर रहे हैं। मतलब कहां पहले चप्पल पहनकर लोग घर गंदा करते थे, अब उन्हीं चप्पलों को पहनकर घर साफ करने का ये आइडिया निकाल लिया गया है। वाकई में दिमाग कुछ भी करवा सकता है। आईब्रो स्टैम्प्स। इस अनोखी चीज के बारे में हम क्या ही कहें, हमें तो लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले लगभग हर महिला को ये वाला इन्वेंशन कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अपनी मेकअप में जितना ज्यादा पैसा खर्च करती है उतना ही ज्यादा समय भी, क्योंकि मेकअप करने में वाकई में टाइम लगता है। जब आपको चेहरे की हर एक चीज को बारीकी से निखार कर दिखाना हो तो भाई साहब टाइम तो लगेगा ही ना। अब आपके चेहरे के पूरे मेकअप के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको आईब्रो बनाने में दिक्कत आती है तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है जिसका एक प्रॉपर शेप होता है। बस इसे आपको कलर में डिप करके स्टैम्प की तरह अपने आईब्रो में लगा देना है, जिसके बाद आपकी आईब्रो बिल्कुल ही अलग तरीके की दिखाई देने लगेगी। हालांकि कुछ लोगों को स्टैम्प वाला आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अधिकतर लोगों को ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया और आना भी चाहिए। यह अकेला प्रोडक्ट एक सेकंड में एक घंटे का काम जो कर सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।